इंडियन प्रीमियर लीग के 9वें मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने एक रोमांचक मैच में किंग्स इलेवन पंजाब को हराकर रिकॉर्ड जीत दर्ज की। इस मैच के हीरो बने राहुल तेवतिया। राहुल तेवतिया ने तूफानी पारी खेलते हुए एक ही ओवर में 5 छक्के लगाकर मैच का रुख ही पलट दिया और 224 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य भी बौना पड़ गया। इस तरह से राजस्थान रॉयल्स ने इंडियन प्रीमियर लीग में सबसे बड़ा लक्ष्य हासिल करने का नया रिकॉर्ड भी बना दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए किंग्स इलेवन पंजाब ने 20 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 223 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा किया। पंजाब की ओर से पहले विकेट के लिए मयंक अग्रवाल और कप्तान केएल राहुल की 183 रन की तूफानी पार्टनरशिप की। अग्रवाल शुरू से बड़े शॉट खेलने के मूड में दिखे। उन्होंने 50 गेंदों पर 106 रन बनाए जिसमें 10 चौके और 7 छक्के शामिल हैं। पिछले मैच में शतक जड़ने वाले केएल राहुल ने 54 गेंदों में 7 चौके और 1 छक्के की मदद से 69 रन बनाए। उनके अलावा निकोलस पूरन महज 8 गेंदों पर 25 रन और ग्लेन मैक्सवेल 13 रन बनाकर नाबाद रहे। इस तरह से पंजाब ने राजस्थान रॉयल्स के सामने 224 रनों का विशाल लक्ष्य रखा। उधर 224 रनों का लक्ष्य का पीछा करने उतरी राजस्थान रॉयल्स की शुरुआत उम्मीद के मुताबिक नहीं रही। पहला मैच खेल रहे विकेटकीपर बल्लेबाज जोस बटलर महज 4 रन बनाकर शेल्डन कॉटरेल की गेंद पर सरफराज के हाथों कैच आउट हो गए। उनका विकेट 19 रनों के टीम स्कोर पर गिरा। इसके बाद कप्तान स्टीव स्मिथ और संजू सैमसन ने मोर्चा संभाला और पारी को आगे बढ़ाया। स्टीव स्मिथ ने 27 गेंदों में 50 रन बनाकर शमी का शिकार बने। इसके बाद शानदार पारी खेलते हुए संजू सैमसन ने 42 गेंदों में 85 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद राहुल तेवतिया ने एक ओवर में 5 छक्के लगाकर मैच का रुख पलट दिया और इसकी मदद से 31 गेंदों में 53 रन बनाए। इसके बाद आर्चर ने 2 छक्के जड़कर रही सही कसर भी पूरी कर दी। आखिरी ओवर में सिर्फ 2 रनों की जरूरत थी जिसके बाद आखिरी ओवर की तीसरी गेंद पर 2 रन लेकर राजस्थान ने मैच अपने नाम कर लिया। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप अपने सवाल और सुझाव हमें कमेंट्स करके बताइए। बाकी देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।